आजकल के मॉडर्न टाइम में लोगों की व्यस्त जीवन शैली और गलत खान पान से जुड़ी गलत आदतों के वजह से कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। इन समस्याओं पर समय रहते इलाज ना ध्यान ना दिया जाए तो ये गंभीर रूप ले लेती है। खान पान और लाइफ स्टाइल से जुड़ी गलत आदतों के वजह से लोगों में लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियाँ हो रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से ही लीवर की कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन सिर्फ अल्कोहल ही नहीं बल्कि खान पान की गलत आदतों की वजह से भी आपको लीवर से जुड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैटी लीवर क्या है, ये होने के क्या कारण होते हैं, फैटी लीवर होने पर मरीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर किसी को शक है कि उन्हें कहीं फैटी लीवर तो नहीं है तो इसकी पहचान के लिए उनमें कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, हम फैटी लीवर से कैसे बच सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो फैटी लीवर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले समझते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर को हम आमतौर पर लीवर में सूजन हो जाना या लीवर पर अपने साइज़ अधिक मात्रा में बढ़ जाना बोलते हैं। आमतौर पर लीवर में थोड़ा बहुत फैट यानी चर्बी का होना एक आम बात है, परंतु अगर यह फैट का स्तर सामान्य मात्रा से अधिक हो जाता है तो कुछ हेल्थ से रिलेटेड असामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं। ये फैट लीवर पर जाकर जमा हो जाता है जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। लीवर जिस्म का दूसरे सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। लीवर का काम हमारे शरीर के ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो हम खाने पीने से जमा करते हैं उन ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को जिस्म में इस्तेमाल के लिए एब्जॉर्ब करना और ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो जिस्म के लिए हानिकारक हैं उन्हें जिस्म से फिल्टर करना होता है। लीवर में बहुत ज़्यादा फैट होने से लीवर में स्कार बनने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक फैट लीवर में सूजन पैदा कर देता है। यदि इनका सही इलाज नहीं किया जाए तो ये गंभीर मामलों में लीवर डैमेज या लीवर फाइब्रोसिस या लीवर फेलियर का कारण भी बन सकते हैं। जो पुरुष और महिलाएं ज़्यादा शराब का इस्तेमाल करती हैं उन लोगों में अधिक फैट युक्त लीवर होने से लीवर में सूजन आ जाती है, जिसे अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ बोलते हैं। जो लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं उनमें भी ये स्थिति आमतौर पर देखने को मिलती है, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ कहते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से फैटी लीवर दुनिया के 20 से 25% लोगों को प्रभावित करता है। फैटी लीवर के क्या क्या लक्षण होते हैं ये जानते हैं। ज़्यादातर फैटी लीवर के मरीज़ों में कोई ख़ास लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, पर आपको कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं या आप पेट में दाएं और ऊपर की तरफ हल्का हल्का दर्द भी महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों में फैटी लीवर के कुछ अधिक लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे लीवर में स्कार यानी निशान बन जाना जिसे लीवर फाइब्रोसिस कहते हैं या लीवर सिरोसिस बोलते हैं, ये हो जाना। इसके साथ साथ मरीज़ कुछ और लक्षण भी महसूस करता है, जैसा कि भूख न लगना, वज़न का कम हो जाना, कमज़ोरी या थकान महसूस होना, नाक से बार बार खून का निकलना, जिस्म की स्किन में बिना किसी वजह के खुजली होना, स्किन और आँखों का पीला दिखाई देना, मरीज़ को पेट में दर्द का होना, पेट में सूजन हो जाना, साथ ही साथ पैरों पर सूजन आ जाना, मर्दों में ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाना, स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स का एक जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देना, इनमें से कुछ लक्षण या फिर ये सभी लक्षण मरीज़ में दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि फैटी लीवर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फैटी लीवर तब बनता है जब शरीर फैट की अधिक मात्रा में पैदा करने लग जाता है और शरीर इतना अधिक फैट को पचा नहीं पाता है। नतीजतन ये एक्स्ट्रा फैट लीवर के टिश्यू में जमा होने लग जाता है और अधिक फैट फैटी लीवर को जन्म देता है। अधिक फैट के निर्माण का कारण हमारे ख़राब जीवन शैली हो सकता है, जैसे खान पान में गड़बड़ी होना या अधिक शराब का इस्तेमाल करना, जिससे अल्कोहलिक फैटी लीवर बन जाता है। कुछ ऐसे कारण भी हैं जो फैटी लीवर होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जैसा कि मोटापा, हाई ब्लड शुगर का रहना, जिस्म में फैट का अधिक स्तर जैसे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। इनके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान लीवर का बढ़ जाना आम बात है। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होना और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी फैटी लीवर हो सकता है। अब बात करते हैं कि फैटी लीवर की जाँच यानी डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको फैटी लीवर होने की संभावना है तो डॉक्टर आपको कुछ जांचें ज़रूरत के हिसाब से करवाने की राय दे सकते हैं, जिनमें शामिल है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट,
इनके साथ साथ डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड यानी पेट की सोनोग्राफी करने की राय दे सकते हैं। इन टेस्ट के अलावा मरीज़ को कभी कभी सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन या लीवर बायोप्सी की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन पेट की सोनोग्राफी और सीबीसी और एलएफटी ब्लड टेस्ट में इस बीमारी की पहचान बहुत बार बहुत आसानी से हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें पहले से फैटी लीवर के मरीज़ ने ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जैसे कि फल और सब्जियों का सेवन करें, अनाज के साथ साथ जो भोजन पौधे पर ज़्यादा निर्भर होता है उनका इस्तेमाल करें, खाने में मिठाई, सफ़ेद चावल, मीट या अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को कम करें, मांसाहार को कम करें, शराब और धूम्रपान को बिल्कुल बंद कर दें, ट्रांस फैट वाली वस्तुएं जो प्रोसेस फूड में पाई जाती है उन्हें ना इस्तेमाल करें, अपने जिस्म के वज़न में बैलेंस बनाए रखें, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट ज़रूर एक्सरसाइज करें। अब जानते हैं कि किन लोगों को फैटी लीवर होने का रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों को फैटी लीवर का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है, वहीं अधिक मोटापा भी फैटी लीवर का कारण बन सकता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ भी फैटी लीवर की वजह बन सकता है। इसके अलावा पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ वाली महिलाओं को फैटी लीवर होने की संभावना भी आम महिलाओं से ज़्यादा होती है। इनके अलावा जिन लोगों को हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस सी है, उनको जिन मरीज़ों को कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक बढ़ा हुआ है उन लोगों में और फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाई जैसे कि मेथोट्रेक्सिट, टैमोक्सिफिन या वेलपरिक एसिड का लंबे वक्त तक के इस्तेमाल भी मरीज़ में फैटी लीवर की वजह बनता है। अब बात करते हैं फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। फैटी लीवर में होम्योपैथिक के मदर टीचर बहुत कारगर साबित होते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिस में हमेशा इन दवाइयों को बहुत फ़ायदेमंद पाया है, लेकिन इनमें से किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, या फिर आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे व्हाट्सअप करके कंसल्ट करके इन दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाइयों में सबसे पहला मदर टिंचर आता है कार्डस मारिनस मदर टिंचर। ये दवा किसी भी तरीके के लीवर डिसीज़ में बहुत कारगर है, चाहे वो फैटी लीवर हो या पीलिया हो। यदि आपका लीवर का फंक्शन सही नहीं है, तो आपको भूख नहीं लगती है, आपका पेट हमेशा फूला रहता है, तो आपको इस दवा को दिन में 3 बार 15 बूंद सुबह दोपहर शाम खाली पेट 1 कप पानी में डालकर लेनी चाहिए। होम्योपैथी का दूसरा मदर टिंचर जो फैटी लीवर में काम आता है वो है चिलिडोनियम मदर टिंचर। यदि आपको फैटी लीवर है और पीलिया की शिकायत भी है और साथ ही साथ आपके पित्त में पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन भी है, तो आपको यह दवा बहुत फ़ायदेमंद होगी। आपको इस दवा को दिन में 3 बार 15 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करनी होती है। होम्योपैथिक का तीसरा मदर टिंचर है क्रैटिकस मदर टिंचर। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है या ये बढ़ा हुआ है, तो आपको इस दवा को दिन में 3 बार 15 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम खाली पेट आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करनी है। चौथी मदर टिंचर है होम्योपैथिक की कार्मेक मदर टिंचर। ये लीवर का एक संपूर्ण टॉनिक की तरह आपको काम आता है। इस दवा को दिन में 3 बार 15 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाली पेट 1 कप पानी में डालकर लेना चाहिए। होम्योपैथिक का पांचवा मदर टिंचर है कैरेका पपैया मदर टिंचर। ये टिंचर पपीते के रस से बनाया जाता है। ये भी लीवर की किसी भी बीमारी में बहुत लाभकारी है। अगर आपको इनमें से किसी भी मदर टिंचर को ऑनलाइन घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन इसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके पास बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक कमेंट का जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।